आज है संडे और संडे को हम कहते हैं बेसिकली Q&A। Q&A में कुछ क्वेश्चन है जो मैं इस डायरी में लिख के लाया हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे इंस्टाग्राम पे पूछे गए हैं। तो अगर हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना, क्योंकि हम वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पिकअप करते हैं। और गाइस आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं ऑल अबाउट फार्मा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। तो गाइस आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और गाइस आपको बता दें, यदि आप फ्रेशर अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको जॉब की प्रिपरेशन कराते हैं और जॉब प्रोवाइड कराते हैं। और गाइज हमारे थ्रू अभी तक 100 बच्चे हुए हैं, चेक भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर की। हे गाइज, वैसे तो मैंने बहुत सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे आपको गाइड किया हुआ है बहुत वीडियो बना के, लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको मैंने कवर नहीं कर पाया हूँ, और छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके क्वेश्चन आते रहते हैं हमें इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना गाइज, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ, आया तो आपने वीडियो Q&A करता हूँ तो उसमें भी पिक करता हूँ। तो गाइज कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके मन में हमेशा डाउट रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कुछ डाउट रहता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हॉस्पिटल करें या आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बेसिकली आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि विच इज़ द बेस्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या हॉस्पिटल ट्रेनिंग। तो गाइज आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हॉस्पिटल ट्रेनिंग में अगर आपको चूज करना है तो सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूज करना, क्योंकि गाइज ये क्या होता है ना कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग आप कभी भी कर सकते हो लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चूज करना होता है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही बेस्ट माना जाता है आपके फील्ड के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप बी फार्मा कर रहे हो तो बी फार्मा एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। प्रोफेशनल का मतलब एक फार्मासिस्ट का जो मेन डाइट हुआ है ना, प्रोफेशनल में आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इंडस्ट्री जल्दी नहीं मिल पाता है, इसीलिए आप पहले इंडस्ट्री पर फोकस रखना, फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कर सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही कर सकते हो, हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो, चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, चाहे हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हो। आगे भी कुछ जैसे कि मेडिकल कंपाउंडिंग का वगैरह, दवा अगर आपको देना नहीं आता है तो वो भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस ले रहे हो। मैक्सिमम बच्चे ये पूछते रहते हैं हमसे कि बी फार्मा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसी होती है। तो गाइज आपको बताते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कुछ प्रोसेस होता है, वो फॉलो करके आप इंडस्ट्री पहुँचते हैं। इंडस्ट्री के बाद आपको HR वगैरह आपको ले जाते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जब वो ले जाते हैं तो आपको क्या करते हैं कि एक डिपार्टमेंट पर्टिकुलर अलॉट कर देते हैं कि इस डिपार्टमेंट में आज करोगे एक हफ्ते के लिए। जैसे कि प्रोडक्शन में एक हफ्ते आप प्रोडक्शन में रहते हो, वहाँ के जो जो डिपार्टमेंट है वो देखते हो, फिर उसके बाद आप QC में जाते हो, QC में देखते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद आप देखते हो कि QA में कौन सा डिपार्टमेंट। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या होती हैं। क्या क्वेश्चन एक लिखे थे कि बी फार्मा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कैसे होती है, क्या होती है, तो मैंने ये क्वेश्चन पिक किया था अपने इंस्टाग्राम से। तो गाइज ये जो भी क्वेश्चन है मैं अपने इंस्टाग्राम से पिक किया, ये जो आपका डाउट है उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अगले Q&A जब करूँगा तो उसमें आपको पिक करूँ। बेसिकली आज का वीडियो ऑल अबाउट फार्मा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में Q&A करने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके तरफ से आया हुआ है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग किस डिपार्टमेंट में करनी चाहिए। तो गाइज ये है आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस पर तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब आप जाओगे ना तो सभी डिपार्टमेंट में वो देते हैं आपको। ऐसा नहीं होता कि मैं इसी डिपार्टमेंट में करूँगा और कोई डिपार्टमेंट में नहीं करूँगा, वो सभी डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं। लेकिन एक महीने के टाइमिंग होता है बस, लिमिट हमारे पास टाइमिंग होता है। तो आप कोशिश ज़्यादा कीजिए कि सभी में आप देख पाओ, हर चीज़ आप देख पाओ कि उसी में RM कैसे होता है, फिर आपको फिनिशिंग प्रोडक्ट कैसे होती है, फिर पैकिंग कैसी होती है, प्रोडक्शन में कैसे टैबलेट बनते हैं, तो सब आपको करना चाहिए। चाहे आप प्रोडक्शन QA QC सब की बात हम करें तो वो भी आपको देखनी चाहिए। रेगुलेटरी अफेयर कई बार लोग नहीं सुने होते, वो भी आपको देखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको इंडस्ट्री ट्रेनिंग में मिलती है जो आप देख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मैं एक ही डिपार्टमेंट में करूँगा। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बी फार्मा के बाद भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तभी होती है जब आप उस पीरियड में पढ़ाई करते रहते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कभी ये मतलब नहीं होता है कि आप अपना पढ़ाई कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दियो, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लोगो, फिर हम जॉब करेंगे। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है गाइस। आप ऐसे कई लड़के ऐसा सोचते हैं, उनकी थिंकिंग होती है कि पहले मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद 8वें सेमेस्टर में जाके मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद मैं जॉब पे लग जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। आप पहले पढ़ाई नहीं कर सकते हो, पहले आप अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो उसी पीरियड में, उसके बाद अपना नॉलेज गेन करके फिर आप नेक्स्ट तैयारी प्रिपरेशन करो जॉब के लिए, फिर जॉब आप
करो, और उसके लिए आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो जिसमें मैं आपको पूरी तरह गाइड करता हूँ सीवी से लेकर एवरीथिंग। और गाइज इसका प्राइस भी बहुत कम है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बता दूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड, ये लास्ट वीडियो भी हो सकता है मेरा, क्योंकि गाइज आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे ए टू जेड मैंने कवर किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गई है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और गाइज उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज आपके जो भी मन में डाउट है तो नीचे जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और गाइज अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि गाइज वहाँ पर हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव लाइव आके बातें करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल अपने फैमिली के साथ, मेरी फैमिली का, टेक केयर, बाय बाय।